हेलो फ्रेंड्स, आशुस कुकिंग मैजिक से मैं आशु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं दूध चढ़ा के मैं भूल गई और मेरा स्टील का भगोना बिल्कुल जल के राख हो गया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस भगोने की क्या हालत हो गई है। ये फिर मैंने जब देखा ये जले हुए भगोने को, इसका हश्र इतना बुरा हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका वीडियो बना लेती हूँ हैक का। ये मुसीबत तो वैसे सबके घर में आ जाती है कभी कभी, तो मैं आज आपको स्टील के जले हुए बर्तन को आसानी से घर में कैसे साफ करते बिना मेहनत के चुटकियों में, तो वो सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। चलिए तो देखते हैं किस तरह से स्टील के जले हुए बर्तन को चुटकियों में साफ करते हैं। चलिए दोस्तों, इस जले हुए बर्तन को साफ करने के लिए हम अपनी कमर को कस लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप खुद कहेंगे कि अरे वाह, ये तो इतना जला हुआ बर्तन 10 मिनट में कैसे साफ हो गया चुटकियों में बिना मेहनत के। तो भगोने को देख लीजिए कितने अच्छे से जला है, बहुत ही बढ़िया तरह से जला है। ये जलने में इसको बहुत मेहनत लगती है मैं ये मजाक कर रही हूँ। मैं फुल क्रीम दूध लेती हूँ, तो दूध में बहुत मोटी मलाई होती है, तो बहुत अच्छे से वो जल के बिल्कुल राख बन चुका है और बिल्कुल तली से बिल्कुल चिपक गया है, देख रहे हैं आप। तो इस जिद्दी जले हुए स्टील के बर्तन को साफ करने का मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो भगोने को हम चढ़ा देंगे गैस के ऊपर, गैस हम ऑन कर देंगे और इस भगोने को हम पानी से भर देंगे। तो पानी आप उतना भरिए जहाँ तक जला हुआ पोर्शन ज़्यादा होता है। तो मेरा तो भगोना पूरा ही जला हुआ है, तो मैं थोड़ा सा जगह बस खाली छोड़ूंगी, बाकी पूरा ऊपर तक भर दूंगी। और इसमें हम 2 चम्मच खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डाल देंगे, 2 चम्मच। अगर आपके पास खाने वाला सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हम विम लिक्विड डाल देंगे 2 चम्मच भर के। अगर आपके पास विम लिक्विड नहीं है तो आप कोई भी बर्तन धोने वाला साबुन या डिटर्जेंट पाउडर डाल सकते हैं 2 चम्मच। और गैस बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे है और ये जैसे से पानी गर्म होगा, खाने वाला सोडा या इनो, इनो का पाउच तो बहुत इजीली कहीं भी मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे, तो वो क्या करता है खाने वाला सोडा और इनो कि वो जली हुई चीज़ को मतलब पपड़ी की तरह छुड़ा देता है, फुला देता है। तो जब वो अपने आप ही तली को छोड़ देगा, बर्तन का जो सरफेस होती है उसको वो छोड़ के अलग हो जाता है। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुका है, ये देखिए सारी पपड़ी है। ओहो, आप देखिए कितनी मोटी सी पपड़ी छूट गई है, जबकि पानी अभी खौला भी नहीं है, अच्छे से बॉयल भी नहीं हुआ। ये देखिए पपड़ी अलग हो गई, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये बिल्कुल कारगर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरह से अभी हम इसको 10 से 15 मिनट और बॉयल करेंगे, तो धीरे धीरे ये सारा बर्तन अपने आप साफ हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देखिए मैं बहुत अच्छे हैक के वीडियोस आप लोगों के लिए लाती हूँ। 15 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए ये पूरा ऊपर तक आ गया है। अब हम इसको हटा रहे हैं तो आप देख सकते हैं जादू की तरह बिल्कुल बर्तन साफ हो रहा है, चमक रहा है। और यकीन मानिए ये बहुत बढ़िया हैक है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे मैं गैस को बंद कर दूंगी, 15 मिनट मैंने इसको बॉयल किया क्योंकि मेरा बर्तन बहुत ज़्यादा जला हुआ था। अगर आपका बर्तन कम जला है तो आप 5 मिनट भी इसको बॉयल करके साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए इस पानी को अब हम दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। तो मैं आपको पानी निकाल के दिखा रही हूँ, वैसे इसको सिंक में आप फेंक सकते हैं, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि देखिए पानी कितना गंदा है। और बर्तन आप देख सकते हैं 70% साफ़ हो चुका है, सिर्फ 30% गंदा है। और ये पपड़ी तो पहले ही निकल गई थी 5 मिनट के अंदर ही। और ये देखिए मैं आपको एक चम्मच से निकाल, कितना ईजिली निकल रहा है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप चम्मच ऐसे खुरेच देंगे ना तो ये आराम से निकल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। नॉर्मली बर्तन सबके घर में जल जाते हैं चाय बनाते वक्त, दूध उबालते वक्त, तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पानी को देखिए आप, इसकी हालत देखिए, इसमें कितना सारा जो जला हुआ पपड़ी थी, जो भी कालिक थी, वो सब इस पानी में आ गई है। तो इस पानी को हम साइड में कर देते हैं और इस भगोने को हम साफ करना शुरू करते हैं। तो अब आप इसमें थोड़ा सा विम लिक्विड डाल दीजिए, कोई भी स्कॉच ब्राइट हो आपके पास वो ले लीजिए, या फिर स्टील वाला जो जूना होता है उससे आप साफ़ करिए इसको। तो बस आराम से साफ़ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी इसमें डालते जाइए, जो साइड में गर्म पानी रखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। देखिए मैं हल्का सा स्कॉच ब्राइट लगा रही हूँ, ये चीज़ें अपने आप साफ़ हो रही हैं कालिक, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। जब आप खुद इस हैक को ट्राई करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे थैंक यू आशु, आपने मेरे साथ ये हैक शेयर किया। तो बस देखा ना, कोई मेहनत है, आपकी काम वाली बाई भी आपसे खुश रहेगी कि आप बर्तन जलाती हैं लेकिन उसे साफ करने में बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ती है।
तो बस मैं थोड़ा थोड़ा गर्म पानी इसमें डालती जा रही हूँ और इसको साफ़ करती जा रही हूँ। तो देखिए बिना मेहनत के ये चकाचक बिल्कुल स्टील का दूध का बर्तन साफ़ हो गया है। तो अब हम इसको पानी से धो देंगे। इसी तरीके से आपके अगर एल्युमिनियम की कढ़ाई भी गंदी हो गई है, जल जाती है, तो सेम इसी तरह से आप एल्युमिनियम के बर्तनों को भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर बाहर सब तरह से ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, चकाचक चमक गया है। अब हम इसको सादे पानी से धो लेते हैं। तो मैं इसमें पानी डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने हर एक स्टेप आपके साथ शेयर किया है। टोटल मुझे 10 से 15 मिनट लगा है। मेरा बर्तन ज़्यादा गंदा था इसलिए मुझे 15 मिनट लगा है। आपका बर्तन कम गंदा होगा, मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा लापरवाह नहीं है। तो मैं अब इसको पूरी तरह से पानी से धो के दिखा देती हूँ। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। देखिए बर्तन चांद की तरह चमक रहा है स्टील का। बहुत ही आसान तरीका बताया है स्टील के जले हुए बर्तनों को घर में चुटकियों में कैसे साफ करते हैं। तो अब आप लोग को भी इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। खाने की भी रेसिपी लाती हूँ और बहुत तरह के हैक्स के वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो ये दोनों ही वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।